जम्मू कश्मीर में सरहद की रक्षा कर रहे जवानों को बर्फीले तूफान ने अपनी चपेट में ले लिया। कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास हिमस्खलन होने से 3 जवान शहीद हो गए, जबकि एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि तीनों जवान राजस्थान के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर में हमारी सेना इन दिनों दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ तो उसे अपने पड़ोसी देश और घुसपैठियों से दो चार होना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उसे मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। जी हाँ, कड़ाके की ठंड के बीच कुपवाड़ा जिले के माझिल सेक्टर में सैन्य चौकियां हिमस्खलन की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि सोना पंडी गली के पास स्थित 21 राजपूत सेना की चौकी पर करीब 4:30 बजे बर्फीले तूफान का कहर टूट पड़ा, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हिमस्खलन से 4 सैनिक दब गए थे, जिन्हें तुरंत बाहर निकाला गया। चारों सैनिकों को नजदीकी चौकी पर इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन 3 सैनिकों ने अपना दम तोड़ दिया, जबकि एक बुरी तरह घायल है। कहा जा रहा है कि मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही भूकंप आने के बाद हिमस्खलन की चेतावनी दी थी। हिमस्खलन में शहीद हुए 3 सैनिक कमलेश सिंह, नायक बलफीर और सिपाही राजेंद्र राजस्थान के रहने वाले थे। बर्फबारी में राजस्थान के 3 सैनिकों के दबकर शहीद होने की खबर से उनके गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।